Love is not a simply word. Love is containing everything. हम हैं सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं. मोहब्बत क्या है साहब? कि हम हैं सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं. और ये मोहब्बत की कहानी कभी मरती नहीं ताबिश. कुछ लोग तो किरदार निभाते हुए मर जाते हैं. दुनिया में अगर कुछ भी जिंदा रहता तो केवल मोहब्बत जिंदा रहती है. और ठीक कहा बहन ने, किसी शायर का मुझे वो शेर याद आता है कि हिंदी के इस मंच पर उर्दू से उर्दू अदब की बेटी आती और कहती है, तब कह सकता हूँ मैं कि इस कदर रोया हूँ मैं यादे गमे शब्बीर में, इस कदर रोया हूँ मैं यादे गमे शब्बीर में, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें मुसलमा हो गई. बस ये मिठास बनी रहने चाहिए, ये ताकत बनी रहना चाहिए. और मैंने आपको कहा था कि पिछले जन्म का कोई संचित पुण्य फल हम सबके पास है और आप ये मानकर चलिए कि ईश्वर की कृपा आप पर हुई है, गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हुए हैं. क्योंकि कहाँ लिखा है बाबा तुलसी ने कि अब मोई भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता. एक क्षण का भी सानिध्य मिल गया तो समझ लीजिए कि जिंदगी की सार्थकता हो गई. तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलिन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग. एक क्षण का भी सानिध्य गुरुदेव का बहुत होता है. कहीं मैंने तुतलाती भाषा में, बहुत दिनों से चेष्टा थी गुरुदेव के दर्शन प्राप्त कर लूं. बस टीवी चैनल पर ही गुरुदेव के दर्शन प्राप्त होते थे. जब भी उज्जैन गुरुदेव का आना हुआ, मेरा इतना सौभाग्य नहीं था, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं गुरुदेव के चरण वंदन कर लेता. लेकिन चार पंक्तियां कहीं गुरुदेव के लिए लिखी, सौंपता हूं गुरुदेव को कि ठिठुरती ठंड में हमको बिछौना दे दिया तुमने. तुतलाती भाषा है, आपका आशीर्वाद मांगता हूं. अगले कवि की भूमिका प्रस्तुत करता हूं कि ठिठुरती ठंड में हमको बिछौना दे दिया तुमने, सिसकते एक बच्चे को खिलौना दे दिया तुमने, और तुम्हारे एक दर्शन को हजारों मन्नतें मांगी, खुदा का शुक्र है दर्शन सलोना दे दिया तुमने. लीजिए आइए, मैं अगले कवि को प्रस्तुत करना चाहता हूं. उस कवि को मैं कहां बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, मुझे समझ में नहीं आता. रायपुर की सरजमी पर खड़े होकर अगर उस कवि का परिचय देता हूं तो आप सब कहेंगे दिनेश दिग्गज जी, रहने दो, आपसे ज्यादा तो हम काका को जानते हैं. लेकिन आप कितना जानते हैं मुझे पता नहीं. पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को बहुत बड़े अधिकारी हैं मंत्रालय में, राजेश मुनत साहब वगैरह सब पहचानते हैं, आपके रग रग में बसे हुए हैं. लेकिन शायद एक बात आप नहीं जानते, मैं उस बात का उद्घोष करना चाहता हूं. मुनत साहब, पिछले दिनों इस देश में 25 समझदार लोगों की जो सूची बनी है, मुझे आज बताते हुए यह गर्व और गौरव का अनुभव होता है कि उस सूची में दूसरे नंबर पर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का नाम है. ताली बजाने की जरूरत नहीं थी, पहले नंबर पर मेरा नाम है. और उसके लिए तमाम इंटेलिजेंसी चाहिए. इनका बेटा है आशु, आजकल सर के साथ है, सिंह साहब के साथ है. आज सत्य घटना बता रहा हूं भाभी, भगवान कसम सत्य बोल रहा हूं, मैं झूठ बोलता ही नहीं, कभी नहीं बोलता हूं. चार दिन पहले आशु का फोन आया, राजा भाई साहब आशु का फोन आया, बोले चाचा नमस्ते. मैंने कहा नमस्ते, आनंद लीजिए, वातावरण परिवर्तित कर रहा हूं. मैंने कहा नमस्ते, बोले चाचा पापा को समझाओ ना. मैंने कहा तुम्हारे पापा पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ओएसडी है मंत्रालय में, है चंद्राकर साहब के साथ है, मैं उन्हें समझाऊं, मेरी इतनी औकात है क्या, इतने बड़े राइटर है. बोले नहीं चाचा पापा को समझाओ. मैंने कहा बेटे प्रॉब्लम बताओ. बोले चाचा पापा आजकल नाखून बहुत चबाते हैं. मैंने कहा WHO की रिपोर्ट आई है, इस देश में 90% लोग नाखून चबाते हैं. बोले चाचा पापा हाथ के नहीं पाँव के चबाते. मैं हाउ इज इट पॉसिबल, पाँव के कैसे चबाते, बोलो खुद के पाँव के थोड़ी, मम्मी के पाँव के चबाते. ऐसे जिंदा दिल कवि को जोरदार तालियों के साथ दावत दें डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे. जितना लिख के दिया था पूरा बोला. इसको बोलते हैं ईमानदारी. एक चांद दूसरे चांद को प्रणाम किया, सौभाग्य की बात है ये. मैं आपको प्रणाम करता हूँ. क्या आपने अपने भाई को पहचाना? ये कुंभ में के मेले में गुमा हुआ आपका छोटा भाई है. नहीं नहीं, वो मेरे साड़ू भाई हैं. साड़ू भाई मतलब आप जानते हैं, एक ही कंपनी से लूटे दो ग्राहक. सबीना ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, बहुत ही बढ़िया काव्य पाठ किया.
न राम हिंदू का है, न राम मुसलमान का है, राम उसका है जिनका काम राम का है। इस बुनियाद पर उसने अपनी गजल को, अपनी कविता को रखा। मैं आपके बीच हूँ, छत्तीसगढ़ के आदमी के कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। आज हम कविता पढ़ने नहीं आए, आज हम अपनी कविताओं को बापू के श्री चरणों में रख के पवित्र करने के लिए आए। वाह वाह, कविताएं तो हम रोज करते हैं। इसी मंच पर, इसी इंडोर स्टेडियम में हमने 15 अक्टूबर को भी एक भव्य कवि सम्मेलन किया। लेकिन वो कवि सम्मेलन भव्य हो सकता है, वो कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उस कवि सम्मेलन में बापू नहीं थे, इसलिए वो कवि सम्मेलन एक पवित्र अनुष्ठान नहीं हो सकता है। इस अनुष्ठान की उपस्थिति में मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और एक बात कहना चाहता हूँ। भाषा कभी कोई संकट पैदा नहीं करती। मैं बहुत कुछ छत्तीसगढ़ी बोलूँगा। अभी एक दो मित्र मेरे बोले कि आप थोड़ा छत्तीसगढ़ी बोलिए, मतलब छत्तीसगढ़ी बहुत सरल है बापू। जैसे ये पीछे बैठा है, इसको हम लोग अंग्रेजी में चेंदुआ बोलते हैं। ये जो मेरे तारीफ कर रहा था, दुबला पतला अगरबत्ती छाप पहलवान, उज्जैन महाकाल के धरती से आया है, नाम है दिनेश दिग्गज। दिग्गज, ऐसा दिग्गज आपने कभी देखा ही नहीं होगा। 32 किलो 400 ग्राम पूरा कपड़ा पहने हुए। लेकिन महत्वपूर्ण है कैसे करें, भाषा कभी संकट पैदा नहीं करती। दिल्ली में एक भाषण दे रहे थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा। हमारे देश में जो नर्मदा योजना है, मैं बोला मैडम नर्मदा नहीं है, नर्मदा है, वही बोल रहे हैं। ताली बजाओ, सांस लेना है। अभी अभी हमने एक राज्य बनाया, तेल लगाना। मैडम वो तेल लगाना नहीं है, तेलंगाना है। ये भाषा संकट पैदा करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ी क्या है, ये इसका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है, जबरदस्त है। छत्तीसगढ़ी की कोई बराबरी नहीं। मैं आपको एक बार बोलूंगा ताली बजाओ, दूसरी बार बोलूंगा ताली बजाओ, पर तीसरी बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके बाद तो पति पत्नी भी भाई बहन हो जाते हैं। ये संकट पैदा नहीं करूंगा। सबीना अदीब बैठी हैं, हिंदुस्तान एक ऐसी धरती है, यहां का मुसलमान जब वजू करता है और नमाज के लिए और पानी ना हो तो उस देश की मिट्टी से भी वजू करे तो नमाज कबूल होती है, जिसे तयम्मुम कहते हैं। हम उस पीढ़ी वाले में हम जीने वाले लोग हैं। दिवाली में अली बसें, राम बसें रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। हम इस संस्कृति को जीने वाले लोग हैं। लेकिन क्या करें, बहुत कम लोग हैं जो संकट पैदा करते हैं। भाषा और छत्तीसगढ़ी को लोग अंडर इस्टीमेट करते हैं। मोला काली एक जन मिल के पिज्जा बर्जर खात रहा है। मैं कह व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू ईटिंग, बोले फास्ट फूड। मैं कह मतलब का है, बनने में आसान, खाने में आसान, पचने में आसान। मैं बोला रे मूर्ख, सबरी के जूठे बेर खा ले, उससे बड़ा फास्टेड फूड इस विश्व में आज तक पैदा नहीं हुआ। जिसने भगवान राम को ऐसी एनर्जी दी कि उसने पूरे राक्षस कुल का नाश कर दिया। हम उस फास्ट फूड को जानने वाले लोग हैं। का खा था फास्ट फूड? मैं क्या, चेच भाजी बासी और लाल मिर्चा संखा। फास्टेड फूड, खाने में भी आसान, आने में भी आसान। सांस लेना है, ये संकट। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, राजेश मूणत जी बैठे इसलिए क्योंकि जगह है बैठने की, ऐसे थोड़े ही बैठे हैं। ये महावीर भी बैठे हैं, इनको भी प्रणाम करता हूं, इन्हीं के कारण हम फंसे हैं सब। नहीं तो हमारी औकात कि हम बापू के सामने खड़े होकर कविता पढ़ें, ऐसा लग रहा है जैसे आज हम पहली क्लास में भर्ती नहीं हुए हैं और पोएट्री पढ़ रहे हैं। डिंग डांग वेल पुसू इन द वेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी डिन, हु पुट हर आउट, लिटिल टॉमी इज आउट, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं, अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी, लेकिन सिर्फ हिंदी है जो छत्तीसगढ़ी है, जो आपके बच्चे को संस्कार दे सकती है, अंग्रेजी सिर्फ व्यापार दे सकती है।
और आज हिंदुस्तान को संस्कार करने की जरूरत, यज्ञ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, देश की स्थिति ऐसी है, अपने अपने ढंग से लोग कहते रहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो मानस जिसको जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। वाह 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 वाह। जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। रामचरितमानस में जो कुछ है वही दुनिया में है, और जो दुनिया में नहीं है वही रामचरितमानस में नहीं है। सब कुछ है उसमें, जीवन की आचार संहिता है रामचरितमानस, वो आपको जीना सिखाती है। मैं 3 साल राम के पाठ करे हूं रामलीला में, 4 साल लक्ष्मण के पाठ करे हूं, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कविता तिवारी जी, मैं 2 साल सीता भी बने हूं। है के बात नहीं है, सीरियसली बताओ। रावण आइस तो अपन आइडिया ड्रॉप कर दिस, नहीं करो ये करा पढ़ नहीं सके। मतलब मैं राम के चरित्रला जीवन ला पढ़े हूं, जाने हूं, अब ये समझ गए हूं कि जब भगवान राम गंगा जी पार करके जात रहा है, केवट कही दी थी देर लग गए मुंदरी, नहीं नहीं फिरती बार मोहि जोई कछु देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा, ये अभी के बात है, फिरती बार वो अब के जमाने में वो फिरती बार नहीं चला है, काबर वो फिरती बार लौटे कि नहीं आवा, वो आदमी है आजे ले ले। जब कवि सम्मेलन होते, माँ शारदे के वंदना होते, माता बैकुंठ से देखते रहे, कवि सम्मेलन हो रहा है इंडोर स्टेडियम में, माता दौड़ते हुए आके स्थापित हो जाती है, मानस में चौपाई है, भगति हेतु विधि भुवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई, माँ के बैठ गई। आप देखिए बैठी है माँ, माँ वहां बैठी है, वो आपको नजर नहीं आ रही है, माँ बैठी है, लेकिन जब कवि कविता नहीं पढ़ता लफासी करता है उसके लिए भी चौपाई है, कीन प्राकृत जनगुण गाना, सिर दुनि गिरा लगत पछताना। ये है मानस, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं है, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। लेकिन क्या कर वे, आजकल पढ़ाई के सिस्टम वैसे हो गए, वो एक लड़का आवेदन करीस, आदरणीय मुनत जी, हालांकि आजकल देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आ गया, बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ गया, मोदी जी अपन पत्नी ला छोड़ दीस, मतलब बहुत भारी परिवर्तन आई, और लाल बत्ती निकली तो बहुत धन मंत्री के पत्नी मन मंत्री ला छोड़ा है। लाल बत्ती हटी अगर गाड़ी से तो मंत्री कहां सोई बाड़ी में। लेकिन अब बत्ती के जरूरत नहीं ये देश ला, अब पाकिस्तान ला वजन बत्ती दे के जरूरत है। क्या बात है, हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, हिंदुस्तान की आजादी में जीने वाले लोग, छत्तीसगढ़ एक ऐसी धरती है जहां 31 बरस बाद, जहां मुझे जानकारी है बापू देवेंद्र नगर में आए उसके बाद 31 बरस बाद 32, महावीर के पास पूरा आंकड़ा है, 32 बरस दिन भी बता सकता है वो, 32 बरस बाद यहां आए भगवान राम, तो 14 वर्ष का वनवास काट के आ गए, और ये हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम ऐसे भरत थे कि हमको राम के दर्शन करने में 32 बरस लग गए, 32 बरस हमने प्रतीक्षा की है, 32 बरस हमने प्रतीक्षा की है कि बापू को हम 4 पंक्तियां सुना दें, हम बापू को कविता सुना दें, आज ये जीवन धन्य हुआ कि 32 बरस की प्रतीक्षा के बाद ये प्रतीक्षा तो भरत ने भी नहीं की थी जो प्रतीक्षा हमने की है। छत्तीसगढ़िया आदमी के कॉन्फिडेंस तगड़ा है, कॉन्फिडेंस एकर से तगड़ा है कि कैसे तो लड़का तोतरा थे का, हमेशा नहीं तोतरा है, बोलते तब तोतरा थे, ये उगर कॉन्फिडेंस है, मतलब छत्तीसगढ़िया के कॉन्फिडेंस वाला कोई पा नहीं सका, बहुत तेज है, ये मोर से पूछ दिस जब कहा छत्तीसगढ़ी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में भी नहीं है, जैसे जो जुआ, जैसे टूरा बैठे, इसका किसी भाषा में कोई शब्द नहीं, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में, जो जुआ इस मीन्स नॉट मेंटली रिटायर्ड, नॉट मैड, कुछ नहीं, जो जुआ मतलब जो जुआ छत्तीसगढ़ी के एक अधिकार,
वन मैन रॉयल्टी टोटल काबर एक छत्तीसगढ़ी है सब कार हमर भाषा है छत्तीसगढ़ में अतका प्रगति आए है अतका प्रगति आए है कि आदमी भैंसी में चगे वो हेलमेट लगाए कम डेवलपमेंट है ये भैंसी में चगे वो हेलमेट लगाए पुलिस वाले रोक दी उसका लगाए था अरे मोला कानून झन सिखा भैंसी फोर व्हीलर है लाइसेंस दिखा जबरदस्त कॉन्फिडेंस है ओ लड़का ला गुरुजी बोलिस कैसे रहे समारोह परम दिन कैसे नहीं आए रहे रे कहा बताऊं गुरुजी एक ठन पेंट उहिल धोए रहे हैं उहिल सुखा रहे हैं नहीं सुखाई तेकर सिटी नहीं आए रहे हैं काली तो आते हुए काली आए रहे हैं गुरु जी तोर द्वारी में तोर सुखात रही से ये संकट है अच्छा लड़का इतना होशियार हो गया आजकल सब इंटरनेट पढ़े पढ़े है बड़ा भारी होशियार है आजकल लड़का बन हमर जमाना में 60-65% बड़ा होतरी आजकल 92-98.99.98 समझे में नहीं आए कत्तेक नंबर पाथे कौन डार ले पाथे जबरदस्त नंबर पाथे आजकल लड़का मन टीचर बोलीस क्यों कल तू तुमको बोला था ना कि फीस लाना है फीस लाए क्यों नहीं बोली से आवेदन आवेदन लिखे रहा है छत्तीसगढ़ के लड़का प्रधान पाठक जी मैं फीस धर के आवत रहे हूँ रास्ता में मोला मोर गर्लफ्रेंड मिल गए बोला मैं पिज्जा हट में पिज्जा खवाए बस चल दे 500 रुपये वही में ऊ रख गए फिर मैं वहाँ देखे हूँ आप अपन हाथ ले पूजा मैडम ला पिज्जा खवा थो मैं ओकर वीडियो क्लिपिंग बनाए हूँ फीस ला माफ करत हस कि क्लिपिंग ला भेजो ताली बजाओ सांस लेना है ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ गए हर कोई विकास पा गए क्या करवे कुछ समझ में नहीं आए विकास तो हुआ है और जिन्होंने रामचरितमानस के दो पन्ने भी पढ़े उनका जीवन सफल हुआ मैं ये कहना चाहता हूँ यूपी से सभी नादी भाई हैं यूपी में हमारी सरकार बनी योगी जी आए मुख्यमंत्री बन के गायल 3 बजे गुड़ खवाते 4 बजे सिक्योरिटी वाले मन ड्यूटी में मैं तो OSD हूँ रहते सस्पेंड हो जाते हैं मैं तो 9 बजे उठता हूँ 3 बजे तो गुड़ खवाते वो गायला लेकिन एक बात है मोदी योगी और रमन एक बात समझ ले नोनी मोदी योगी और रमन ऐसे जैसे अमर अकबर एंथोनी एक नया क्रांति आई कैसे जीत गए समझ में नहीं आए देवबंद जहां से फतवा जारी होते वहां 38 बूथ में कमल खिल गए कैसे खिल गए एकर स्थिति खिल गए अब्दुल्ला डारी साइकिल में रबीना फसीदा सकीला तीनों मोदी के कमल में और रखो 3 भाई हम एक ठन रखे हैं तेरे बड़ा मुश्किल में चलत ये 3 भाई रखे के परिणाम है वो कोनो बात न है एक रहती तो डालती तू साइकिल में लेकिन अब्दुल्ला डाली साइकिल में सबीना रबीना फसीदा तीनों डाल दी मोदी हमारे एक भाई है देख रहे बड़ा मुश्किल में चला थे वो छाती में जाता धर के चना दर थे लेकिन एक बात है मोदी के आने से बहुत फर्क पड़ा योगी के आने से बहुत फर्क पड़ा और आने वाला कल रामचरितमानस के इस महायज्ञ में आज आप के बीच में वो कविता पढ़ना चाहता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार लिखा और आज आदरणीय के श्री चरणों में उस कविता को कपूर की आरती बनाकर रखना चाहता हूं ताकि एक मेरे देवता जो 32 बरस बाद यहां आए मैं उनकी अगवानी में उनकी आरती में कुछ जा सकूं राम ने जन्म लिया पक्का इसका इतिहास है लोग कहते हैं कि तुम छत्तीसगढ़ में रहते हो तुम राम जन्म के लिए बात क्यों करते हो राम मंदिर की बात क्यों करते हो तब मैं बताना चाहता हूँ कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी है भगवान राम हमारे भांजे हैं छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था यहाँ कुश का राज्य अभिषेक हुआ था इसीलिए छत्तीसगढ़ का नाम कुशावर्त भी है इसे कुशावर्त भी कहते हैं तब मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ राम ने जन्म लिया इसका पक्का इतिहास है मस्जिद मस्जिद कहते हैं ये केवल बकवास है मोदी योगी को अपना वचन निभाना होगा
और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाना होगा। मोदी योगी को अपना वचन निभाना होगा और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाना होगा। जय, बहुत देर में तो देशभक्ति जागी, बातचीत करो बोलती सुप्रीम कोर्ट। हम बातचीत करेंगे, हम बातचीत करेंगे, बातचीत से बात नहीं बनेगी तो फिर बातचीत करेंगे, और फिर भी बात नहीं करे बनेगी तो बातचीत करते करते हम चित हो जाएंगे तो क्या बातचीत करने कराची जाएंगे? वाह वाह। बातचीत करना चाहो तो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिद में अड़े रहे तो फिर हमसे भिड़ सकते हो। वाह जी वाह वाह वाह। बातचीत करना चाहो तो बातचीत कर सकते हो और अपनी जिद में अड़े रहे तो फिर हमसे भिड़ सकते हो। परशुराम का फरसा एक बार चमकाना होगा और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाना होगा। जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाना होगा। आज देश के हालात ऐसे समझ में नहीं आए। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या के धरती, भगवान राम के हमार भांजा, एक बात जान लीजिए, अगर दुर्योधन की बेटी होती, अगर दुर्योधन की बहन होती तो मेरा दावा है द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। समाज से संस्कार पैदा होता है, संस्कार को समाज से पैदा करना पड़ता है। जिस राम भक्त सो का कुल हैं, राम सिलाए मौन, मोदी योगी भी नहीं बनाए तो फिर बनाएगा कौन? एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। तर्क की बात रख रहा हूं, राम भक्त सो का कुल हैं, राम सिलाए मौन और मोदी योगी भी नहीं बनाए तो फिर बनाएगा कौन? वर्षों का यह यक्ष प्रश्न अब तो सुलझाना ही होगा और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाना हो। आज का अरुणोदय हमें कुछ संदेश देता है। बापू बैठे हैं, आज का अरुणोदय हमें कुछ संदेश देता है। जागरूक प्रहरी हो तुम, ये कर्तव्य का प्रणेता है। कुछ पन्नों के बाद यहाँ सरदार भगत सिंह झूम रहा, ये सिख बंधु बैठे हैं, इनकी पगड़ी को गुरुद्वारा समझ के प्रणाम करता हूँ और पवार जी की चार पंक्तियां फंसाता हूँ। क्या हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की संतानों का? हम क्या मूल्य चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का? जिनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके दो दो बेटे चुन गए दीवार। कुछ ये शौर्य पताका भारत की, ये शौर्य पताका भारत की, भारत माँ की गोदी है। राम लखन इस धरती में बस मोदी और योगी है, राम लखन इस धरती में बस मोदी और योगी हैं। चंदन रखा हथेली में है, तिलक लगाना ही होगा और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाना। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंदन चंदन वाले हैं, हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंदन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्व पत्र, हम गंगा जल, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं, हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत है। हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत है। हम धूप दीप हर हर गंगे बम बम भोले आले हैं। हाथ उठाकर कहो एक बार, हम मंदिर बनवाने वाले हैं। हाथ उठाकर कहो एक बार, हम मंदिर बनवाने वाले हैं। और मेरा दावा है मंदिर यहां बनेगा, बनवाएंगे मोदी और योगी। मेरा दावा है मंदिर अयोध्या में बनेगा, बनवाएंगे मोदी और योगी। और जब मंदिर जब बन जाएगा, बापू की कथा वहां होगी। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आंदोलन समाप्त, कवि सम्मेलन प्रारंभ। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। हाँ, अब सुर लगा।